हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेस्ट बुक शेल्फ्स ऑफ दिस ईयर। आपको अपनी बुक्स के लिए न्यू बुक शेल्फ चाहिए, आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो बुक शेल्फ्स हैं अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे बुक शेल्फ सबसे अच्छे हैं, तो आपको कितनी कैपेसिटी का कैसा बुक शेल्फ चाहिए उसके लिए मैंने एक ये लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने ध्यान रखा है कि ये जो बुक शेल्फ्स हैं इनके लोगों ने क्या रेटिंग दी, इनको क्या रिव्यू रहे इनके, उन्होंने आफ्टर यूजिंग दैम क्या फीडबैक दिए इन बुक शेल्फ्स के बारे में, और इनकी जो प्राइसिंग है। और इसके अलावा इन सारी जो बुक शेल्फ्स हैं इनकी डिटेल मैं आपके साथ में आगे इस वीडियो में शेयर करूँगी। बट उसके अलावा भी आपको और कुछ जानना है तो इन सब की जो लिंक हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से जाके बाय करेंगे तो आपको उन लिंक्स के थ्रू एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एट नंबर 5 इट इज़ अरोरा बुक शेल्फ। डायमेंशन इसमें मेंशन किया हुआ है मेड ऑफ हाई ग्रेड MDF इंजीनियर वुड है। इसमें एडेड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलेगा विद 3 ओपन कंपार्टमेंट्स एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज। एट नंबर 4 इट इज़ सरप्राइज बुक शेल्फ। हैवी एंड ड्यूरेबल है, परफेक्ट फॉर स्टैकिंग बुक्स हैं एंड अदर आइटम्स, एंड इसमें आपको जो हाइट ऑफ ईच कंपार्टमेंट है वो 10.5 इंचेस का मिलेगा एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 रुपीज़। एट नंबर 3 इट इज़ डेका बुक शेल्फ। इंजीनियर वुड विद लैमिनेट मिलेगा, कलर इसमें डार्क ब्राउन है एंड डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2400 रुपीस। एट नंबर 2 इट इज कस्टम डिकोर बुक शेल्फ। शीशम वुड बुक शेल्फ है ये, रैक की हाइट लेंथ एंड विड्थ यहाँ मेंशन किया है, मल्टी फंक्शन विद ओपन डिजाइन मिलेगा एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3700 रुपीस। एट नंबर 1 इट इज कर्ट्जी बुक शेल्फ। साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेफ एंड वरी फ्री एंड स्टाइलिशली सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन मिलेगी, मल्टी टीयर शेल्फ्स हैं और ये बहुत यूनिक लुक देता है, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4800 रुपीज। इफ़ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स देन यू कैन कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।